नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ग्रीन टी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसी क्या नई चीज़ डॉक्टर बताने वाली है। बहुत सारे लोगों को पता है कि ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ उसके ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको पहले नहीं पता होगा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जो बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। जैसे आपको ग्रीन टी किस टाइम पे लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ही गलत टाइम पे ग्रीन टी लेते हैं, उसकी वजह से उनमें बहुत बार साइड इफ़ेक्ट्स भी डेवलप होने लगते हैं। लेने का तरीका, साथ ही इसको बनाने का तरीका, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होनी चाहिए आपके ग्रीन टी प्रिपरेशन की, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ग्रीन टी के इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको आप पूरा देखें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों बात करना ग्रीन टी के बारे में। दोस्तों ग्रीन टी यानी कि ग्रीन लीव्स जो होती है उससे बनने वाली जो टी है बहुत ही शानदार एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बहुत सारे गुणवत्ता से भरी हुई ये ग्रीन टी होती है। दोस्तों बहुत सालों से, आप बोल सकते हैं हजारों सालों से ये ग्रीन टी यूज़ की जा रही है। जापान और चाइना में तो ये एक नॉर्मल पेय की तरह यूज़ की जाती है। दोस्तों पूरे विश्व में चाय एक ऐसी चीज़ होती है, टी ऐसी चीज़ होती है जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी जाती है पूरे विश्व में। आप, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बोल रही हूँ, और चाइना और जापान आप देखे होंगे वहाँ के लोग कितने ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा लीन और बहुत ग्लोइंग स्किन वाले होते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा श्रेय ग्रीन टी को जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो नंबर वन बात करते हैं आपके हार्ट के लिए। दोस्तों बिल्कुल ये आपके बॉडी के हार्ट, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, स्पेशली इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है EGCG, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट निकलते हैं पॉलीफिनॉल। ये दोनों ही दोस्तों ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी जो वैस्कुलर डिजीज़ है, मतलब हार्ट की जो डिजीजेज हैं उसके लिए बहुत कम प्रोन हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट हो जाती है अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर सेवन करते हैं तो। नेक्स्ट दोस्तों आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज से पहले आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर देती है, और उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे आपकी बॉडी से आप जो फैट है जो आप रिडक्शन करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, तो जितनी एक्सेसिव चीज़ें हैं वो आपके शरीर से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आपको लिव लॉन्गर रखने के लिए, मतलब आपको लंबे समय तक हेल्दी और जवान रखने के लिए ये ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने देखा होगा जापानीज बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 90 प्लस तो रहती है, वहाँ पे नॉर्मली लोग 100 साल तक, 110 साल तक जीते हैं और बहुत हेल्दी जीते हैं। वहाँ के दोस्तों लगभग 90% लोग हेल्दी माने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छा टॉप इसका बेनिफिट है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। जी दोस्तों, ये एक एंटी लाइक डिप्रेशन जैसा भी आप बोल सकते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को ये बहुत हद तक कम करता है। इसमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स निकलते हैं जो आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसको डाउन करते हैं, आपको एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं, आप बहुत कूल फील करते हैं मेंटली, फिजिकली, दूसरी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये इसमें बहुत ही अच्छे एंटी बैक्टीरियल कंटेंट पाए जाते हैं जो आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रिवेंट करने में, जैसे और कुछ वायरसेस को किल करने के भी इसमें क्वालिटी पाई जाती है। स्पेशली जैसे इन वायरसेस में आप समझ लें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है, उन तक को किल करने की इसमें कैपेसिटी होती है, ये उनको भी
डेट करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही अगर एंटीबैक्टीरियल के बारे में बात करें जो आपके टीथ हैं उनको डिके होने से बचाता है, आपके दांतों को भी सुरक्षित करता है। अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन में जो आपके डिके हो रहे हैं टूथ, उनमें पहले से प्रिवेंशन आ गए हैं, आपके दांत अब सड़ने कम हो गए हैं पहले के कंपेरिजन में। नेक्स्ट बेनिफिट वेट लॉस के लिए, एवरीबडी नो अबाउट इट कि हाँ वेट लॉस के लिए ग्रीन टी पी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इतने अच्छे से रेगुलेट करता है कि उसके वजह से आपको अपने वेट रिडक्शन में बहुत हद तक मदद मिलती है। तो ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि ये इसके एक बेनिफिट के पार्ट में से है कि वेट रिडक्शन में भी ग्रीन टी बहुत अच्छे से मदद करता है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों, ये आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती, वो मेनली जानते हैं हाँ इट्स एंटीऑक्सीडेंट और ये वेट मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, वेट इंप्रूव करता है, बट जो पॉइंट्स ये हैं जो आपके हार्ट लाइक वेस्कुलर डिजीज ऑफकोर्स ब्रेन रिलेटेड या फिर आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी वायरल, ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होती। तो जो ब्रेन फंक्शन की बात करें दोस्तों, ये आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है, क्योंकि उससे आपको धीरे धीरे फील होगा कि अगर आप लंबे समय से तक ले रहे हैं आपको अल्जाइमर डिजीज में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों इसका, ये ब्लड शुगर तक को कम करने में आपको मदद करती है, स्पेशली जो टाइप 2 ब्लैक शुगर होता है, जो टाइप 2 टाइप का डायबिटीज़ है उसको कम करने में ये एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप बेशक ग्रीन टी लेना शुरू करें, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको मैंने आपको बताया कि ग्रीन टी किन किन एरियाज में बहुत अच्छी काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको लेना कैसा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना। बहुत लोग बहुत ही गलत तरीके से ग्रीन टी लेते हैं और उसके बेनिफिट की जगह आपको उससे नुकसान होने लग जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि आपको किस समय पर ग्रीन टी लेनी चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपको ग्रीन टी कभी भी खाली पेट नहीं लेनी है। खाली पेट लेने के बाद से बहुत ज़्यादा लोगों में, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कॉज करने लगता है, उसके बाद आपको पेट में जलन, हार्ट बर्न जैसी सेंसेशन लगने लगती है। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि आपको ग्रीन टी खाली पेट नहीं लेना है। हमेशा कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट के बाद या फिर आप लंच के बाद ग्रीन टी को लें। वेरी करता है, और एक चीज़ ध्यान रखें, वेरी करता है अगर कोई ओबेज इंसान यानी कि मोटा इंसान ग्रीन टी लेना चाहता है तो हमेशा कोशिश करें फूड के एक घंटे पहले ले, मतलब जैसे उन्होंने खाना खाना है लंच लेना है तो उससे एक घंटे पहले ले। जिनको वेट गेन करना है वो फूड के बाद लें, क्योंकि आपने खाना खाने के बाद जब आपने ग्रीन टी लिया तो ये जल्दी से मेटाबॉलिज्म करके जो आपने खाना खाया है उसको पचाने लगता है, तो थोड़ी देर बाद से आपको वापस से भूख लगने लगेगी, तो और आप कुछ खाना शुरू करेंगे जिससे आपकी फ्रीक्वेंट अगर आप मील ले रहे हैं तो आपकी कैलोरी बढ़ेगी और आप आराम से वेट गेन कर सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने ग्रीन टी ली है तो आपको कोई सिट्रस फ्रूट के चीज़ के साथ नहीं लेना। जैसे बहुत सारे लोग ग्रीन टी नींबू के साथ ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सादा ही ग्रीन टी लेनी है, आप प्लेन लें, उसके साथ कोई भी सिट्रस चीज़ को ऐड ना करें। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कभी भी आपको ब्रेकफास्ट से पहले ग्रीन टी नहीं लेनी है और डिनर के बाद नहीं लेनी है। हमेशा आप डे टाइम में ही लीजिए, और जैसे ब्रेकफास्ट कर चुके हैं उसके आधे पौन घंटे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर आप लंच के बाद बिल्कुल ले सकते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आपको किन किन समय पर ग्रीन टी लेने हैं, वो आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपरली नहीं लेंगे तो आप जितना अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ग्रीन टी का आपको वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, जो कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं। मोस्टली लोग दोस्तों चाय पानी, जैसे चाय पत्ती डाली जाती है, नॉर्मल चाय बनाते हैं कि गर्म पानी में चाय पत्ती डाल दी, उसको खूब खौला दिया और दन चाय के छान कर ग्रीन टी पी ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली एक कप पानी आप जो चाय के लिए ले रहे हैं वो आप बॉयल करके आप उसको गैस ऑफ कर दें, फिर उसमें आप एक स्पून ग्रीन टी डाल के उसको ढक दें। ढकने के बाद सिर्फ 30 सेकेंड से 1 मिनट तक उसको उसमें छोड़ें और वापस से उसको छान कर पी लें। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ग्रीन टी लेने का, आपको उसके साथ उसको उबालना नहीं है और आपको बहुत लंबे समय तक उसको छोड़ना नहीं है।
दूसरी चीज, कभी भी रखी हुई ग्रीन टी ना पिए। जैसे आपने सुबह में बनाई है और वापस से आप शाम में गर्म करके पी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और वो आपको टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो कभी भी रखी हुई ग्रीन टी नहीं लें, हमेशा फ्रेश प्रिपेयर करें और फ्रेश आप तुरंत से बना के ही लें। ऐसा आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखनी है। तो इन कुछ पॉइंट्स का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं ग्रीन टी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, तो आप पीजिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।